विधानसभा क्षेत्र सदर से विधायक आशीष शर्मा ने वीरवार को बरोहा गांव में वाटर ओवरहेड टैंक का भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि यहां 40,000 लीटर क्षमता वाला 10 मीटर ऊंचा ओवरहेड पानी का टैंक बनाया जाएगा। इस टैंक के निर्माण पर 11 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस टैंक के बनने से 3 गांव बरोहा, सियानी और इंडस्ट्रियल एरिया के बाशिंदों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। विधायक ने कहा कि 3 माह में ये टैंक जनता को समर्पित किया जाएगा। इससे पहले स्थानीय ग्रामीणों व विभागीय अधिकारियों ने विधायक के यहाँ पहुँचने पर जोरदार स्वागत किया। विधायक ने विधिवत पूजा अर्चना कर टैंक निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर की जनता को गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत नहीं आने दी जाएगी। जहां पर पानी की समस्या है वहां पर टैंकरों के माध्यम से सप्लाई की जाएगी और समस्या का स्थायी समाधान भी किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों को भी पानी की समस्या के हल के उचित निर्देश दिए गए हैं और 1 सप्ताह के भीतर अधिकारियों से बैठक आयोजित कर गर्मियों में पानी की उचित सप्लाई के लिए दिशा निर्देश जारी दिए जाएंगे। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता रमन शर्मा सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। बिल्कुल जी, आज यहाँ पे हमने भूमि पूजन किया है। जल शक्ति विभाग द्वारा यहाँ पे करीब 40,000 लीटर का टैंक बनाया जाएगा, जिससे कि ब्रोहा का नीचे वाला ब्रोहा और जो ऊपर वाला गांव है उसको फीड किया जाएगा, ताकि पानी की समस्या का जो है वो हल परमानेंट निकाला जाए। तो ओवरहेड टैंक की यहाँ पे भूमि पूजन आज की गई है। कितनी लागत है लगभग? और लगभग इसके ऊपर 11-1 लाख रुपया खर्चा किया जाएगा और करीब 3-1 महीने में ये टैंक बन के तैयार हो जाएगा और लोगों को समर्पित किया जाएगा। हिमाचल बस न्यूज के लिए हमीरपुर से मोहनजीत की रिपोर्ट।